हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ मैथ्स एक्सरसाइज हमारी 8.5 ओके इसी को सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनका प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करने के दो तरीके हैं, इसको वन कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई 24, वन का 24 के साथ ऊपर का 24 बन जाए 24 और 8 का 1 के साथ 8 बन जाए 8, 8 का डिवाइड दे दो इसमें 3 टाइम तो 3 आंसर हो जाएगा ओके। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे 1/8 × 24, तो पहले ऊपर नीचे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको इसको तो कर नहीं सकते, इसको इसको कर सकते हैं, 3 टाइम हो गया, ऊपर 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3, आप चाहे ऐसे कर लेना चाहे ऐसे कर लेना। इसी टाइप से ये है, 1 का मल्टीप्लाई 50 के साथ कर दो, 150 या 50/3, इसका डिवाइड अब जाएगा नहीं, तो इसको या तो इतना ही छोड़ दो या फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमने बताया था पहले डिवाइड देते हैं, 3 × 3 1 आ गया 0, 2 आ गया 2, 3 × 6 = 18, 2 16 होल 2/3 ये आंसर हो गया। इसी टाइप से ये क्वेश्चन है हमारा 4/6 × 36, तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो ऐसे करके या फिर कैंसिल कर लो, क्या हम कैंसिल कर रहे हैं, 6 × 36, 6 से इसको डिवाइड दे दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 × 6 = 24 आंसर। इसी टाइप से 21 का डिवाइड इसमें चला जाएगा 3 टाइम, 21 × 3 = 63, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 3 × 5 = 15, इट्स योर आंसर। तो ऐसे आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/7 × 50 है, तो इसमें 3 का डिवाइड ना तो इसमें जा रहा है ना इसमें जा रहा है, सॉरी 7 का डिवाइड ना इसमें जा रहा है ना इसमें जा रहा है, 3 में भी नहीं जा रहा, 50 में भी नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, तो 3/50 = 150/7 इतना छोड़ सकते हो, या फिर इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, 7 का डिवाइड दे के 150 7 × 7 कितना आ गया 80 7 × 2 = 14, 2 टाइम तक चला जाएगा, 7 × 2 = 14, 2 टाइम, यहाँ 1 ले लो 0 हो गया, तो 7 × 7 यहाँ क्या आ गया 3, तो 21 होल 3/7 इट्स योर आंसर ओके। क्यों सब्ट्रैक्ट करा तो 2 टाइम ज़्यादा ध्यान ही दिया हमने। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 5/6 × 2/4/6, तो हम 6 का डिवाइड इसमें दे दे रहे हैं, 6 × 4 = 24 6 × 6 41 का मल्टीप्लाई 5 के साथ दोगे तो 5 × 5 5 × 4 = 20 205, ये आपका आंसर होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लाई, तो इनमें हमें क्या करना है, जो वाई लिखा हुआ वाई के प्लेस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई का साइन 3/8, अब क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 = 9 और 4 × 8 = 32, ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से नेक्स्ट यहाँ वाई 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 लिखा हुआ था, तो हमने उसके प्लेस मल्टीप्लाई का साइन कर लिया है ओके स्टूडेंट्स, ऑलरेडी कर लिया है। अब देखो यहाँ पे किससे क्या कैंसिल हुआ, 5 से 15 हो जाएगा, 3 से 12 हो जाएगा, तो 5 से इसको कैंसिल करोगे 3 टाइम हो गया, 3 से इसको कैंसिल करो 4 टाइम हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे 12 बचा है, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, अगर नीचे बचता 1 तो 1 लगाओ या मत लगाओ, लेकिन ऊपर वाला 1 बचा तो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसी टाइप से 11 का डिवाइड ना इसमें जा रहा ना इसमें जा रहा, 7 का डिवाइड मतलब आपस में डिवाइड नहीं जा रहा किसी का किसी में, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 11 × 3 = 33 और 13 × 7 = 91 ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से इसमें भी ऐसे करेंगे 1 × 1 = 1 5 × 3 = 15 आंसर हो गया। ऐसे इधर इसको सही करो, 2 × 3 = 6 7 7/2 × 3/8 ओके, तो 7 × 3 = 21 हो गया और 2 × 8 = 16 हो गया, इसको चाहो तो मिक्स में लिख दो अदरवाइज इतना छोड़ दो। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको 16 का डिवाइड इसमें दोगे, 16 × 2 = 32 और 5 से डिवाइड दे दो, 5 × 9 = 45 5 × 5 = 25, तो ऊपर कुछ नहीं बचा 5 रह गया, नीचे 2 × 9 = 18 ये आपका आंसर। उसके बाद नीचे है 3rd and 4th होमवर्क में दे रहा है ओके स्टूडेंट्स, 3rd and 4th क्वेश्चन आपको अपने आप से करना ओके। थैंक यू वेरी मच।